यूपी के बुलंदशहर में हुई हिंसा की सच्चाई तलाशने की जगह पूरे प्रदेश में इस पर सियासत हो रही है। थोड़ी देर बाद एटा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की बहन ने यह सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि उनके भाई के मर्डर में पुलिस भी हथियारों से मिली हुई थी। परिवार ने मांग की है कि मृतक सुबोध को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके नाम पर गांव में एक स्मारक बनवाया जाए। साथ ही परिवार की मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर उनसे मिलना चाहिए। ऐसा ना करके परिवार ने 50 लाख की आर्थिक मदद भी वापस करने की बात कही है। तो बड़ा बयान यहां पर मृतक सुबोध सिंह की बहन की तरफ से आया है। आपको बता दें कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उनको श्रद्धांजलि दी गई थी बुलंदशहर में, और अब उनका जो पैतृक गांव है एटा, वहां कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बात का मुझे दूसरी बात, मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाए, पहले उसकी शहीद स्मारक बनाई जाए, हमारे रोड से निकलने वाले उसे सम्मान दें। जी जी। उसके बाद जी क्या 50,000 और 50 लाख इससे क्या होता है, वापस कर देंगे आगे। तो कहां पर शहीद स्मारक मनवाना चाहते हैं? गांव में। जी गांव में, तरगमा गांव में, एटा जिला में। जी इससे पहले उसके फादर भी इसी में खत्म हुए थे। हमारी खानदान ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत बहादुर है, वीर गाथाएं पुरानी है। जी जी जी। तो कैसे उनके पिता की कैसे मौत हुई थी? उनके पिता की मौत झांसी में गोली लगने से आगरा में खत्म हुए थे आगे। वो भी इसी तरीके से? इसी तरीके से। जब मेरे भैया विवेचना कर रहे थे ना, जी, उस विवेचना की वजह से मेरे भाई को मारा गया। किसमें विवेचना कर रहे थे? वो गौरचा का ही होता, वहाँ का अभिलाख पता नहीं क्या, अखलाक जो भी हो जी, उस चक्कर में मेरा भाई मारा गया है। क्या मानते, षड्यंत्र मानते? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था, जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे? बार मुख्यमंत्री जी हमारे फैमिली से मिला के, उसके बाद देखें गौरचा क्या होती है। तो प्रदर्शनकारियों से मिली भगत थी, पुलिस वालों की भी ऐसा आरोप लगा रही हैं। बहरहाल आपको बुलंदशहर हिंसा में इस वक्त का पूरा अपडेट बता देते हैं। बुलंदशहर हिंसा केस में दो अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पहली FIR में गोकशी के आरोप में 7 लोगों के नाम है। दूसरी FIR में बुलंदशहर हिंसा के 27 आरोपियों के नाम है, 60 लोग अज्ञात है जिनका नाम इसमें है। और हिंसा भड़काने के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने रात भर छापेमारी की। चिंगरावड़ी, नयाबास और महाव गांव में पुलिस ने छापेमारी की है। पूरे मामले की जांच के लिए SIT बनी है, 48 घंटे में से अपनी रिपोर्ट देनी है। बुलंदशहर में धारा 144 लगा दी गई है। हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। इंस्पेक्टर सुबोध को बुलंदशहर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुबोध कुमार के सिर पर गोली लगने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। ADG प्रशांत कुमार समेत तमाम पुलिस अफसर इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये अब तक की अपडेट है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि SIT बना दी गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना दुखद है, सरकार इस घटना को लेकर के चिंतित है और बहुत गंभीरता से लिया गया है। SIT गठित की गई है, जांच शीघ्रता से पूरी हो, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले हैं कौन है उनका पता चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी, यह घटना हुई है। यह घटना का कारण क्या है, क्यों इस प्रकार से आक्रोश हुआ, क्यों इस प्रकार से परिस्थितियां पैदा हुई, यह सारा विषय जांच के दायरे में रहेगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई होगी वह सरकार निश्चित तौर से करेगी। हम सुबोध सिंह जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Was it a pre-planned thing? Because mob came armed with weapon. They took all the communication device of the inspector. He took his walkie-talkie set. Have you seen this kind of pattern happening in other instances? See, I told you, I can't talk to you about the incidents and the district administration will be. We are talking about the preliminary facts, sir. There is no preliminary fact at the moment. I will not be able to report. Kal sham tak. Kal sham tak apne report sampenge. Thank you. ADG इंटेलिजेंस से जो कह रहे थे कि अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कल शाम तक इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं, तो नेता इसमें भी सियासत तलाश रहे हैं। पहले मोदी जी शासन में आए, उसके बाद योगी जी उत्तर प्रदेश में शासन में आए, हमने देखा एक असहिष्णुता बढ़ गई है, लिंचिंग राज बढ़ गया है, उत्पीड़न हो रहा, जुल्म और अन्याय बढ़ता चला जा रहा है, धर्म के आधार पर टकराव पैदा किया जा रहा है। इस टकराव के चलते
हम ये देख रहे हैं कि साधारण से साधारण नागरिकों की और पुलिस अफसरों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, वो इस आग में जल रहे हैं। ये जो तपस है इससे पूरे देश का बहुत भारी हानि और नुकसान हो रहा है। इज्तम से लोग लौट रहे थे और ये विवाद को बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता था, तो हो सकता है ये विवाद भी काम का हो जाता। ये कहा जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस में ये गवाह थे, आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, तब तो एसआईटी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यूपी पुलिस के बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अफसर हालात पर नजर रखे हुए हैं, मामले की जांच भी आगे बढ़ रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। बुलंदशहर पहुंचे एडीजी प्रशांत कुमार से जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा ने बात। जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें 25 लोग नामजद हैं और 50-60 लोग अज्ञात हैं, और उस संबंध में अभी तक जो दो नामजद लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं और हमारी टीमें गठित कर दी गई हैं विशेष, जो कि लगातार दबिश दे रही है। इसके अलावा जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है, पर्याप्त संख्या में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सर, अगर जानने की कोशिश करें तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, गोकशी का मामला था और धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा उपद्रवी हो गई, सर क्या वजह यही थी या कुछ और मामला था? अभी तक तो यही है कि गोकशी के कारण ही ये घटना हुई है, लेकिन एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इस सभी पहलुओं को देखेगी, गोकशी की घटना और बाद की जो इंस्पेक्टर साहब पे जो अटैक हुआ है और उसके अलावा जो अन्य पहलू हैं, सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। सर, एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन चल रहा था बुलंदशहर में, क्या लगता है पुलिस जब जांच कर रही, क्या लगता है किसी तरीके का आपसी सौहार्द मिटाने का या आपसी कुछ गड़बड़ियां करवाने का ये एक तरीका हो सकता था? अभी ये कहना थोड़ा अर्ली है, लेकिन ये एक ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने बड़े जलसे का आयोजन हुआ और उसको सकुशल संपन्न कराया गया। अगर जैसे भी रूमर मॉन्गरिंग ज़्यादा होती तो यहाँ बहुत बड़ा तनाव हो सकता था, लेकिन जो डिफेंस हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं या अन्य एजेंसियाँ हैं, सब में इंफॉर्मेशन का सीमलेस फ्लो था और हम लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके किया, और जिसके कारण किसी तरह से कोई तनाव नहीं होने पाया और सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर, अभी भी देखने को मिल रहा है बहुत सारी टुकड़ियां यहां पर आरएएफ की टीम पहुंच गई है और भी टुकड़ियां पहुंच गई, क्या अभी भी माहौल उस तरीके से गर्म है, तनाव है? स्थिति नियंत्रण में है और एहतियातन फोर्स लगाई गई है ताकि किस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, कितनी टीमें बनाई हैं और किस तरीके से आरोपियों को आप लोग पहचान कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है? इसके लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं और एसआईटी का भी गठन अभी आज हो जाएगा और पूरे जो हमारे जितने भी तेज तर्रार ऑफिसर हैं उनको गिरफ्तारी में लगाया गया। राजू राज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, वहीं पर वो मौजूद हैं। राजू, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुबोध, जो मृतक इंस्पेक्टर सुबोध है उनकी बहन ने की है, उन्होंने पुलिस की मिलीभगत की बात भी कही है, क्या इसकी भी जांच होगी? अब देखिए, इस पुलिस पूरे मामले में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी शिकायतें मिल रही है हर एक शिकायत पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और एसआईटी की टीम उन तमाम लोगों से बात कर रही है जो जो आरोप लगा है। एक एक जो खबर सामने आई कि जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे उन्होंने ग्रेटर नोएडा के बिसहारा में जो अखलाक का केस हुआ था उसके आईओ थे, तो उस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है और सेम यही आरोप उनकी बहन ने भी लगाया था कि वो उस केस के आईओ थे इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं इस एंगल के सामने आने के बाद पुलिस उस एंगल से भी तफ्तीश करी है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अभी कुछ देर पहले मैं महाव गांव गया था और वो वही गांव है जहां पर गोवंश के टुकड़े मिले थे और वहां पर जो एडीजी है इंटेलिजेंस वो भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे और 3 जगह पर गोवंश मिले थे, लेकिन जो जिसका खेत में ये गोवंश के टुकड़े
कपड़े मिले थे, वहां पर राजकुमार नाम का एक शख्स है जिसका खेत है, वो वही शख्स है जो सबसे पहले पुलिस को सूचना दी थी कि यहां पर गौवंश के टुकड़े मिले थे। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले जो योगेश राज नाम का एक शख्स है जो इस केस में गौवंश वाले मामले में वो जिसने तहरीर दी थी और उसके तहरीर पर ही केस दर्ज हुआ था, वो उस केस में उसने गौवंश को लेकर ट्रैक्टर के जरिए यहां पर आया था और यहीं पर वो लोगों के साथ धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था, उसी में सुबोध पर सुबोध पर हमला की गई थी। दूसरा जो एफआईआर दर्ज है जिसमें सुबोध कुमार की हत्या की गई थी, उस मामले में उसे सस्पेक्ट बताया गया है, प्राइम सस्पेक्ट बताया गया है। तो पुलिस योगेश राज की भी तलाश कर रही है। इस घटना के बाद जो राजकुमार है, जो सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी थी, राजकुमार भी फरार चल रहा है, उसके घर वालों से भी बात हमने की है, उनका कहना है कि राजकुमार डर से भागा हुआ है। महाप गांव के तमाम जो पुरुष हैं वो भागे हुए हैं पुलिस के डर से, क्योंकि पुलिस रात में वहां पर पहुंची थी, दबिश दी थी। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो शिकायतें आ रही है, उन तमाम शिकायतों के आधार पर एसआईटी की टीम उस एंगल से भी तफ्तीश करे। अभी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। राजू, यहाँ पर जो सुबोध है, इंस्पेक्टर सुबोध, उनकी बहन ने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ आए यहाँ, हमसे मुलाकात करें, यहाँ पर एक स्मारक बनवाए। क्या सरकार की तरफ से कोई वहां पर पहुंचने वाला है, ऐसा कोई प्रोग्राम आपको पता चला? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि एसएचओ सुबोध कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव एटा पहुंचाया गया, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। हाँ, ये बुलंदशहर में तमाम जो आला अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एडीजी इंटेलिजेंस, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आरएएफ की टीम लगाई गई है पूरे इलाके में, धारा 144 लगाया गया है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि दंगा ना भड़के, क्योंकि एक प्रदर्शनकारी जिसमें जिसकी मौत हुई है, सुमित नाम का लड़का है, उसका पोस्टमार्टम होना बाकी, पोस्टमार्टम के बाद अगर डेड बॉडी आती है, लोग उग्र होते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लगाई गई है और लगातार आरएएफ की टीम यहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया राजू फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।